हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम शॉपी पे सेलर अकाउंट कैसे बनाते हैं। शॉपी एक सिंगापुर बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी है। ये शॉपीफाई और शॉपी में आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये शॉपीफाई तो फ्लिपकार्ट वालों की है, ये एक अलग है, और शॉपी है ये एक अलग है। ये भी हाल ही में इंडिया में आई है और ये एक सिंगापुर बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बायर बन के ख़रीदारी भी कर सकते हैं और सेलर बन के अपना प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं। क्योंकि ये अभी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है शॉपी, ये अभी इंडिया में नई आई है, तो अपने बिजनेस को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए ये काफ़ी ऑफर इस वक्त प्रोवाइड कर रही हैं। अगर मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इस वक्त सेलर्स को ये कुछ इस तरीके के मतलब बेनिफिट्स दे रहे हैं, जैसे कि ज़ीरो कमीशन, ज़ीरो शिपिंग कॉस्ट, ज़ीरो प्रोडक्ट कैंसिलेशन चार्जेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब इस तरीके के, ठीक है ना। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम इस शॉपी पे अपना सेलर अकाउंट कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना ब्राउज़र खोलें और यहाँ पे टाइप करें shopee.in, shopee.in। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, आप shopee.in पे ही वेबसाइट को खोलेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती से .com कर देते हैं, फिर आप .com पे अगर shopee.com पे सेलर का अकाउंट बनाने की कोशिश करते हो, नहीं बन पाएगा, वो अमेरिका का नंबर एक्सेप्ट करेगा, आपका ये वाला इंडिया का नहीं करेगा। तो shopee.in पर ही जाना है, .com नहीं, ठीक है। आपने खोल लेंगे shopee.in ब्राउज़र पे और अपनी भाषा चुन लेंगे, मैं इंग्लिश चुनता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन है सेल ऑन शॉपी, इस पर क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। सेल ऑन शॉपी एंड अर्न मोर कमीशन, यहाँ से बेनिफिट्स बताए हुए हैं क्या क्या हैं, ज़ीरो कमीशन, फ्री शिपिंग, रजिस्टर इजीली, नॉन ब्रांड, टाइमली पेमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, लोड हो रहा है। अब यहाँ पे आप दबाएंगे डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप हेयर, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे आपकी डिटेल्स पूछ रहे हैं, सबसे पहले मोबाइल नंबर यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, मैं डाल लेता हूँ, ठीक है। और अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट दबा देंगे, अभी वेरिफिकेशन करेंगे। अब इनका वेरिफिकेशन क्या है, ये पज़ल जो होगा आपको इसमें इसको जोड़ना है इस तरीके से, ऐसे मैंने जोड़ दिया और हो गया वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर आपको मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन का कोड भेजेंगे, ठीक है, जो भी वेरिफिकेशन कोड आपके इस नंबर पे भेजेंगे, आपको कोड डालना है, मैं डाल देता हूँ, ठीक है, और वेरीफाई दबा देंगे। एरर आ गया, कोई बात नहीं, अगर एरर आया तो पैनिक नहीं करना है, दोबारा से दबाएंगे वेरीफाई। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं फोन नंबर वेरीफाई हो गया, अगला स्टेप कह रहे हैं कि पासवर्ड बनाएं। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से एक पासवर्ड बनाना है। अब इस पासवर्ड में कह रहे हैं कम से कम एक लोअर केस होना चाहिए, मतलब स्मॉल लेटर, एक अपर केस होना चाहिए, मतलब कैपिटल लेटर, कम से कम एक, और कम से कम 8 से 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए पासवर्ड में, और इसमें सिर्फ लेटर्स, नंबर्स और कॉमन पंक्चुएशन ही अलाउड है पासवर्ड बनाने में। तो हम एक पासवर्ड बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, बनाते हैं पासवर्ड इनके क्राइटेरिया के हिसाब से। और हम साइन अप पे दबाएंगे पासवर्ड क्रिएट करने के बाद, अब इसमें है यू हैव
सक्सेसफुली क्रिएटेड शॉपी अकाउंट विद दिस नंबर। ठीक है, अब यहाँ में सेलिंग के डैशबोर्ड पे ला रहे हैं जिसमें हमें आगे की प्रोसेस करनी है। अब यहाँ पे हमें स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे जो जो चीज़ें पूछी गई हैं हमें वो इन्हें प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले ये GST नंबर पूछे हैं, GTIN। तो ये GST नंबर आपको अपना डाल देना, जो भी होगा मैं अपना डाल देता हूँ, केयरफुली डाले काफ़ी। ठीक है, मैंने डाल लिया, क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको डालने के बाद, इस नंबर को डालने के बाद आपको चेक करना है, 15 डिजिट का ही होगा, फिर आपको वेरीफाई दबा देना है, वेरीफाई पे इस पर क्लिक कर देना है। अब जब आप वेरीफाई दबाएंगे तो जो इस GST से रिलेटेड जो भी आपके इन्फॉर्मेशन है वो सब बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, जैसे आपका पैन नंबर, आपका बिजनेस नेम, आपकी बिजनेस एंटिटी, आपका ट्रेड नेम, पिन कोड, एड्रेस सब आ जाएगा। अब इसमें एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो ये GST में आपका बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस दिया हुआ है, आप इसी एड्रेस को यूज़ करना चाहते हैं पिकअप के लिए? अगर आप इसी एड्रेस को पिकअप के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो येस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे। अब जो मेरा एड्रेस है उस पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, इसलिए मैं नो पे क्लिक करूँगा। ठीक है, बाकी सब मैं वही डालूँगा। या नाम डालेंगे, या फोन नंबर, या पिन कोड डालेंगे, यहाँ पे अपना स्ट्रीट डालेंगे जो कि बाय डिफॉल्ट डाला हुआ होगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है, जो भी होगा आपका अपने हिसाब से डालें। आप अपनी लोकेलिटी का नाम डालना है, यहाँ पे लैंडमार्क। ठीक है, और इस पर क्लिक करना है नीचे वाले पे, सेट एज पिकअप एड्रेस। ठीक है, सब चेक करके आप कन्फर्म पे कन्फर्म पर डालेंगे ना, तो आपका जो एड्रेस होगा आपके हिसाब से, जो पिकअप एड्रेस डालेंगे वो आ जाएगा, ये एड्रेस हो गया। और आप येस दबाएंगे तो आपको ये बाय डिफॉल्ट ये एड्रेस लिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें है शॉप नेम, तो दुकान का नाम क्या होगा, मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे। आप भी अपनी दुकान का नाम जो भी रखना चाहते हैं डाल सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी डालें, किस ईमेल आईडी से बनाना चाहते हैं, मैं डाल लेता हूँ ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद फोन नंबर जो डाला हुआ होगा चेक कर लें एक बार अच्छे से। यहाँ पे सिग्नेचर का फोटो अपलोड करना है, एक खाली पेपर पे सिग्नेचर करके रखें और उसका फोटो खींच के अपने इसमें डाल दें लैपटॉप में, उसको अपलोड कर दें ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूछना आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना, तो अदर्स यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। ठीक है, और इसके बाद इस तरीके से आपका आ जाएगा। इसको बैक करेंगे, ये जो आपका अकाउंट है
खुल गया है, जहाँ तक मुझे लगता है खुल गया है। ठीक है, अब इसमें आगे और चीज़ें होंगी जैसे बैंक अकाउंट ऐड करना, ऑर्डर की लिस्टिंग करना, प्रोसेस करना। ठीक है, सब कुछ जितना भी है हम आगे सीख लेंगे। अभी हमने अकाउंट ऐड करना सीखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अकाउंट बनाना हमने सीख लिया है। धन्यवाद।